हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी ब्लैकमेलिंग पे सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने ब्लैकमेलिंग पे एक वीडियो निकाली थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ब्लैकमेलिंग, मैंने ये एनालाइज किया कि ये छोटा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर और खुल के बात होनी चाहिए, इसीलिए हम इस टॉपिक पे सेकेंड वीडियो आज शूट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये रहा कि इस पर बहुत से कमेंट्स आए और कमेंट्स से भी ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते हैं, पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे चैट किया या फिर उनसे डायरेक्टली मेरा नंबर लेके उनसे बात भी की और हमने उस टॉपिक पे उनकी प्रॉब्लम के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड किया। बट इन सब चीज़ों में मैंने एक कॉमन बात ये जानी कि जो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि आपको व्हाट्सएप पे किसी लड़की का मैसेज आता है हाय हेलो का, और हम बिना कुछ सोचे समझे उसका रिप्लाई कर देते हैं। रिप्लाई के साथ में हाय हेलो स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद में कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि वो लड़की न्यूड चैट करना स्टार्ट कर देती है। चैट भी कैसी, वीडियो चैट या फिर आपसे वॉइस कॉल करेंगी, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रिकॉर्ड हो जाती है। स्क्रीन जो रिकॉर्डर होता है फ़ोन में, उससे आपकी भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है और उसी के बेस पे वो आपको ब्लैकमेल करती है। ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं जिनके ऊपर ये चीज़ बीती है वो इन चीज़ों को बड़ी भली भांति समझ सकते हैं। मेरे पास में इस टाइप के काफ़ी प्रॉब्लम्स आई और उनके सॉल्यूशन भी हमने दिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इन चीज़ों के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि आज के डेट में कोई फ्री में आपको एक गिलास पानी ना दे। क्यों कोई एक लड़की आपको हाय हेलो का मैसेज भेजेगी, क्यों वो आपसे चैट करेगी, क्यों आपसे न्यू वीडियो कॉल करेगी, ऐसा क्यों? सबसे पहले थोड़ा स्मार्ट बन जाइए। फ़ोन हाथ में आते ही या किसी लड़की का फोटो लगा हुआ देखते ही लड़कों के अंदर पता नहीं क्या एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है और उसको फटाफट रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी भी अननोन लड़की का आपके पास में मैसेज आता है तो आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है, पहले उसके बारे में सोच समझ लीजिए, नहीं तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हुआ है ना आप लोगों के साथ में ऐसे? हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या फिर इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है उस पर आप मुझसे मैसेज पे या जैसे भी है आप चैट कीजिए और उसके बारे में बात कीजिए। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर एक आजकल होड़ लगी हुई है। आजकल एक पता नहीं क्या फैशन बन गया कि हमें चैट करनी है, किसी लड़की से चैट करनी है, लड़की को किसी लड़के से चैट करनी है। अगर आपको चैट करनी है, दोस्त बनाने हैं, तो पहले आप उसको जान लीजिए, परख लीजिए कि ये वाकई में है या नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप उसको फौरन ब्लॉक कीजिए और कुछ भी ऐसी चीज़ें अपने ओर से रिप्लाई ना कीजिए जिसकी वजह से आप फ्यूचर में फंस जाए। दोस्तों, एक्चुअली ये कोई लड़की वड़की नहीं होती, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं होती। और जिस दिन कुछ ऐसी वीडियो कॉल ऐसे होगी तो उसमें क्या होता है कि आप जो सामने वाली जो लोग हैं वो चैट कर रहे होते हैं आपको वीडियो को, वो उनके सामने एक स्क्रीन पे एक वीडियो चला देते हैं जो बिल्कुल इस तरह से शूट की जाती है कि आपको लगता है कि सेम टू सेम कोई लाइव चैट चल रही है, जबकि वो लाइव चैट नहीं होती। और आप उसको देख के वो गलती कर जाते हैं जो आप कर बैठे हैं, और इसी दौरान क्या होता है, वीडियो के फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है उसकी हेल्प से आपकी वीडियो शूट कर ली जाती है और फिर कहानी स्टार्ट होती है आपको ब्लैकमेल करने की कि ये वीडियो हम फेसबुक पे डाल देंगे, सब जगह डाल देंगे, आपकी फैमिली को दिखा देंगे, इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए, और फिर आप डरना स्टार्ट कर देते हो। जनरली ये जो फिर मैसेज या कॉल आएंगे और नाइट रात के समय में आएगी आपको, ताकि आप उसका रिप्लाई करें तो कैसे करें, आप कोई फैमिली मेंबर साथ में सोया हुआ है तो क्या करें, तो वो एक टेंशन वाली कंडीशन आपके लिए बन जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी डिमांड वैसे कोई ज़्यादा होती नहीं है, 5 to 10,000 तक इनकी ख़त्म हो जाती है। बट आप ये बात समझिए कि सबसे पहले अगर आपको उसको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डरना नहीं है। अगर ये गलती होगी, मैं तो पहले कहूँगा कि गलती करनी नहीं है, बट ये वीडियो वही बंदा देखेगा जो गलती कर चुका है।
अब आपसे गलती हो गई है तो ये मत सोचे कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये मत सोचे, अब ये सोचे कि क्या करना है क्या करना है। आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिए, अभी उस नंबर को ब्लॉक कीजिए, और ब्लॉक करने के बाद में मैं गारंटी से कहता हूं कहीं पर भी वो आपकी वीडियो नहीं डालने वाले, नहीं डलेगी आपकी वीडियो कहीं पर भी। तो डरना बंद कीजिए, ये एक सिंपल सा स्कैम होता है जो पैसा कमाने के लिए फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे बैंक में किसी का नंबर आता है कि अपना पिन नंबर बताइए, ओटीपी बताइए, सेम थिंग यही है कि वो आपको आपकी जो एक इमोशन का फायदा उठा के आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो आपको डरना नहीं है, ब्लॉक कर देना है, और अगर जहाँ पे भी उसका कुछ भी ऐसा लिंक आपको मिले कि फेसबुक पे अगर उसकी उसने चैट करनी स्टार्ट कर दी, फेसबुक पे ब्लॉक कीजिए, हर जगह से ब्लॉक कीजिए, और जब भी उसका मैसेज आए तो बोल दे ठीक है डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से रहिए, सुखी रहिए। और हाँ देखो, सबसे जरूरी बात यह होती है कि एक्सपर्ट्स के साथ में आप जुड़े रहिए। हम चाहते हैं कि नए नए दोस्त हमसे जुड़े, हमसे बात करें, तभी सोल्यूशन निकलता है। शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो खुल के बात कीजिए, इंस्टाग्राम पे बात कीजिए, कॉल पे बात कीजिए, कमेंट पे बात कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद जय भारत।